नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल शहर के भगत सिंह मोड़ के समीप जीटी रोड के बगल में सुसज्जित व सुव्यवस्थित फिटनेस फ्री जिम एवं स्टूडियो का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन एशिया स्तर के शनि राय और सोनिया मित्रा ने किया। प्रसिद्ध जुम्बा प्रशिक्षिका सा फिटनेस फ्रिज की ओनर प्रियंका पारिक ने बताया कि आज के दौर में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल ने यह सबक दिया है कि शारीरिक रूप से प्रबल रहना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इक्विपमेंट के साथ इस जिम और स्टूडियो का स्थापित किया गया है, जहां आसनसोल वासियों को एक नया और अलग माहौल के बीच खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जिम का प्लान आइडिया था, ये आपको कैसे आया? ये ऐसे आया कि मुझे खुद फिटनेस का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा से फिटनेस में थी। पहले घर पे यूट्यूब चैनल्स वगैरह ये सब देख के, धीरे धीरे फिर जुम्बा इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ली मुंबई से, एंड देन मैं अपनी क्लासेस रन कर रही थी जुम्बा की। एक साल हो गया मुझे, एंड मुझे ज़रूरत लगी। मैं जब खुद वर्कआउट करने जाती थी तो मुझे प्रॉपर एक प्लेस नहीं मिलता था यहाँ पे, तो मुझे लगा व्हाई नॉट मी, हम ही शुरू करते हैं, एक ट्रेंड चेंज करते हैं, किसी ना किसी को तो करना था, तो वी बिगन विद इट। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिटनेस के बारे में कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल, फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जितना आपके लिए शॉपिंग करना और आपके लिए मॉल जाना एंड अच्छा यू नो होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए फिटनेस भी है। अगर आप फिट हो तो आप सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट इफ़ यू आर नॉट फिट, सब आपके लिए बेकार है। एंड फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ ये टारगेट नहीं रहना चाहिए कि मुझे पतला होना है और ये होना है, नहीं। फिटनेस मतलब आप सुबह से उठो और रात तक आप एनर्जाइज्ड रहो, आप में चार्ज रहे और आपको बिल्कुल भी थकावट फील नहीं हो, फिटनेस वो होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि सब फिटनेस की तरफ ध्यान दें। एंड जैसे कि अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, हम सब देख रहे हैं कि इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा शुरू करें फिटनेस की और अपनी जर्नी, तो डेफिनेटली वील ऑल फाइट ओवर दिस। जिम के अलावा यहाँ पे योगा क्लासेस भी हैं? हाँ, दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। वी हैव जिम एज वेल एज स्टूडियो। जिम में वी हैव स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एज वेल एज क्रॉसफिट ट्रेनिंग, बट ये जो हमने बनाया है स्टूडियो सेक्शन, इसमें योगा, मेडिटेशन, डांस फिटनेस, जुम्बा फिटनेस एंड उसके अलावा काफ़ी क्लासेस बच्चों के लिए एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड सब एज ग्रुप्स के लिए हम यहाँ पे अलग अलग क्लासेस भी करवाएंगे। बेनिफिट ये मिलेगा कि ऑल अंडर वन रूफ, आप एक ही जगह आ रहे हो और आप सब फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए भी किया गया है कि मैं खुद एक मदर हूँ, आई हैव टू किड्स, मैंने ये फील किया है कि बच्चों के साथ बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम जा पाएँ कितनी जगह, तो मदर्स अपने बच्चों को ला सकती हैं, बच्चों की अलग क्लासेस चल सकती है, बच्चों का क्लासेस नहीं भी हो रही है तो उन बच्चों का ध्यान रखा जाएगा एंड मदर्स कैन टेक देयर क्लासेस, एंड चाहें तो वो बच्चों को अलग क्लासेस में इनरोल करा दे, वो अपनी क्लास करेंगे और मदर्स अपनी क्लास करेंगे। किस उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? 4 साल से लेकर हर उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हम हर एज ग्रुप के लिए वी हैव गॉट अ कॉन्सेप्ट, वी हैव डिफरेंट क्लासेस फॉर ऑल एज ग्रुप्स, हर सबके लिए सूटेबल जो है उस एज ग्रुप के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है अपार्ट फ्रॉम जिम। इंतज़ाम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को एक बार में अलाउ नहीं करते हैं। हमारे डिफरेंट स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग 6 o'clock हमारा जिम और स्टूडियो शुरू होता है जो रात के 10 बजे तक चलता है, जिसमें 12 से 3 बजे तक हमारा ब्रेक टाइम है। 3 बार हम सैनिटाइजेशन करते हैं पूरे जिम की। उसके अलावा हर इक्विपमेंट के पास हमारे सैनिटाइज़र बॉटल्स रखे हुए, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे, तो आफ्टर एवरी यूज़ इट इज़ बीइंग सैनिटाइज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर स्लॉट जो है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेम्बर्स है, उन्हीं को हम अलाउ कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, तो उनका स्लॉट ख़त्म होगा, फिर जिम वापस क्लीन होगा एंड देन अगेन अदर बैच कैन कम इन। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब एक साथ कर सकते हैं वर्कआउट जिनको कंफर्टेबल है। उसके अलावा फीमेल टाइमिंग्स 10 AM टू 12 noon और दोपहर में 3 से 6 एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज़ है, लेडीज़ एंड किड्स, एंड उसके बाद शाम 6 से लेकर रात 10 तक अगेन इट्स यूनिसेक्स टाइम। एडमिशन का क्या प्रोसेस है?
एडमिशन का प्रोसेस वही है कि फ़ी एक है, नॉमिनल है, अलग अलग पैकेजेस हमने दिए हैं स्टूडेंट्स को, अलग पैकेजेस हैं एंड मंथली, क्वार्टरली, सिक्स मंथ्स, ईयरली, अलग अलग पैकेजेस हैं. सो वी हैव डिफरेंट पैकेजेस फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल. कोई आपका जिम आना चाहे तो वो किस तरह से, कैसे है, नाम से कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? कॉन्टैक्ट हमारा पेज भी है एफबी पे और इंस्टा पे, और उसके अलावा हमने गूगल मैप पे भी हमारा लैंडमार्क डाल दिया है, हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं. सो इट्स लाइक दैट. हमारा एड्रेस है फिटनेस फ्री जिम एंड स्टूडियो, सेकेंड फ्लोर, सारदा एनक्लेव, नियर एजी चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल. मैं प्रियंका पारिक एंड आई एम ए सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर. अच्छा प्रियंका जी, यहाँ पे देख रहे हैं कि मशीन काफ़ी आपका यूनिक है, इसके लिए मैं आपके जो ट्रेनर भी होंगे वो भी काफ़ी खास होंगे. ट्रेनर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, मशीन के बारे में. हाँ बिल्कुल, मशीन्स हमारी बहुत एक्सक्लूसिव है, आई कैन वाउच ऑन इट, बिकॉज इस बेल्ट में तो अभी तक ऐसा कोई मशीनरीज वाले जिम हमने अभी तक आए नहीं हैं. वी आर द फर्स्ट वन. सब बींग स्ट्रॉन्ग के इक्विपमेंट्स हैं जो काफ़ी मजबूत हैं, और उसके अलावा ट्रेनर्स हमारे सारे सर्टिफाइड हैं फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स. आज आपका ये जिम का उद्घाटन है, तो ये उद्घाटन जो समारोह है किसके हाथों पर? ये उद्घाटन हम करवा रहे हैं फिटनेस वर्ल्ड के ही हमारे सेलेब्स हैं, मिस्टर एशिया रहे हुए और फिटनेस में ही मिस एशिया. मैं आपसे मिलवाती हूँ सनी रॉय एंड सोनिया मित्रा. आप उनसे बात करके आप खुद ही जान लो उनके बारे में. सोनिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका. थैंक यू. आप अपना परिचय दें. मेरा नाम सोनिया मित्रा है, मैं 2x मिस इंडिया रह चुकी हूँ फिटनेस फिजिक में. मैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन जो एसोसिएशन है उसमें कम्पीट करती हूँ. सेवरल टाइम्स मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी इंडिया रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने बहुत बार मेडल्स जीती है. और रिसेंटली इन द ईयर 2016 मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे कम्पीट की थी, जो कि थाईलैंड पटाया में हुआ था. उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था, मैं रनर्स अप हुई थी उसमें. आज आप यहाँ पे फिटनेस फ्री जिम और स्टूडियो का उद्घाटन करने आए हैं, तो आसनसोल में ये आपका पहला आगमन है. जी हाँ, पहला बात तो ये है कि मुझे आसनसोल आके बहुत अच्छी लग रही है. यहाँ के लोग और जिस तरीके से मेरा वेलकम किया गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये जिम जो बना है मुझे बहुत पसंद आया है पर्सनली, कि आसनसोल जैसा जगह में इतना सुंदर जिम हो सकती है. एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकती है. जिम देख के क्या खास लग रहा है आपको? जिम का इंटीरियर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ किया गया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ब्रांड जिसका नाम है बींग स्ट्रॉन्ग, और उसका अभी ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है. तो इस तरह का जगह में इतना अच्छा इंटीरियर के साथ इतना अच्छा इक्विपमेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है देख के. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आसनसोल के जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा. जी आपका स्वागत है हमारे चैनल. थैंक यू. आप अपना परिचय दें ताकि दर्शक आपको जान सके. मेरा नाम सनी रॉय है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ. मैं एक इंटरनेशनल फिजिक एथलीट हूँ. मेरा कैटेगरी है मेंस फिजिक. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक पर्सनल ट्रेनर के तौर भी काम करता हूँ, एंड आई एम अ फिटनेस मॉडल एज वेल एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर. आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन 2016 इन मेंस फिजिक. 2016 में मैंने नेशनल्स किया, फिर मैंने सिलेक्शन दिया एशियन एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए. और मैं बहुत लकी था कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई कंट्री इन एशियन एंड वर्ल्ड स्टेज. तो एशियन चैम्पियनशिप 2016 में मैं अपने कैटेगरी का विनर रह चुका हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2018 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी किया, जिसमें मैंने टॉप 5 में फिनिश किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफ़ी सारे नेशनल चैम्पियनशिप भी किए हैं, और उसमें भी टॉप 3, टॉप 2 ऐसा मेरा प्लेसिंग रहा है. आसनसोल में? यस, मेरा फर्स्ट टाइम है आसनसोल में, पहले कभी आया नहीं हूँ मैं. आसनसोल कैसा लगा? आसनसोल अभी तक तो जो देखा काफ़ी बढ़िया ही लगा मुझे. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट. इतना नहीं, जिम तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, इट्स टॉप नॉच. लाइक मैं कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में जो फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइडेड होता है वैसा ही बिल्कुल सेम फैसिलिटी है यहाँ पे. मुझे इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, इक्विपमेंट्स बहुत बढ़िया लगा, एमिनिटीज इज़ टू गुड. आई थिंक दिस जिम इज़ गोइंग टू डू ग्रेट फॉर श्योर.
इस जिम से यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, आई थिंक अभी जो देश है, जो हमारे यूथ है, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। आप अगर देखोगे तो यूथ जो है आजकल के, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनका हेल्थ सही नहीं रह रहा है। तो हेल्थ अगर सही रहेगा तभी एक अच्छा नेशन बिल्डअप होगा, तो इसके लिए जिम बहुत इम्पोर्टेंट है। बस जिम आओ, फिट रहो, सही खाना खाओ, गंदा चीज़ से दूर रहो, बस एज सिंपल एज दैट। स्वास्थ्य रहने के लिए आपको अपना हेल्थ का ख्याल खुद ही रखना है, कोई और तो आपके लिए रखेगा नहीं। तो दिस इज़ द बॉडी इन विच यू हैव टू लिव इन, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। तो जिम आइए, फिट रहिए, अच्छा डाइट लीजिए, और क्या, अच्छा लाइफ स्टाइल लीड कीजिए। आज के जो युवा है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग तो सब किसी को करना नहीं होता है, और ये काफ़ी ईजी भी नहीं होता है, डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल एक स्पोर्ट्स है और काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो इसमें आपको बहुत दिक्कतें भी आ सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हो। आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन के एक बहुत अच्छा करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर अपने आप को ग्रो कर सकते हो, और इसमें भी फिनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हो। सो फिटनेस इंडस्ट्री आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, इसका ग्रोथ बहुत हाई है, तो आप डेफिनेटली एज अ करियर ऑप्शन इसको चूज़ कर सकते हो। ये वैसा सीन नहीं है कि पुराने ज़माने में जैसे लोग कहते थे कि अखाड़ा में जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, बहुत साइंटिफिक चीज़ है, आप इसमें आ सकते हो, डेफिनेटली यू कैन चूज़ इट एज अ करियर। बहुत ज़रूरत थी इस एरिया में, तो कोई जिम मतलब आसपास नहीं मिल रहा है, और साथ में जुम्बा क्लासेस भी लेडीज़ की हुई है, ये भी बहुत सुविधाजनक हुई है। जिम में आके यहाँ के इक्विपमेंट वगैरह क्या कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा, वेल मतलब एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, मैं तो देखकर जानकारी भी लेना चाहिए कितने इक्विपमेंट्स कहाँ से हैं, तो पता चला मुंबई से हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ अरेंजमेंट्स है, सब सैनिटाइज किया हुआ भी है, सिस्टम सिस्टमेटिक वेल मैनेज्ड है। देखिए, मुझे दूसरे जिम देखने का तो मौका नहीं लगा, पर ये जिम देखकर मैं बोल सकती हूँ जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो जिम होते हैं उसी पैटर्न है। जरूर, मतलब तो यहाँ टोटल इक्विपमेंट्स इस तरह के हैं तो अट्रैक्ट होंगे ही, पीपल आएंगे ही, और इससे जरूर ही लाभ होगा। और अभी लॉकडाउन में तो क्या है, इस जिम की विशेषकर मेल्स को तो बहुत ही ज़रूरत है, सभी घर में रह गए, तो उससे उन लोग को जो फिटनेस लेवल है उसके लिए जिम की भी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।